A very good morning to you all children as you know that we have finished chapter 7 of your english wordworth uh, reader book so now we'll be doing comprehension which is on page number 58 so all of you open your page number 58 of uh, the chapter who is the greatest so uh, we'll first uh, go to the section a choose the correct o options to complete the following sentences so the first uh, question is the mouse change into a dash girl me change ho tha beautiful or terrible so the answer will be beautiful girl so you have to take and uh, filling the blanks with uh, beautiful now the next is the girl wanted to marry the dash man in the universe kisse most intelligent or greatest so if you have read the chapter carefully it will be the greatest man in the universe so option b you will take and you will write option b so the third uh, sentence is the sun said that the dash was more powerful than him so whom did sun uh, tell uh, that who was uh, uh, more powerful than him cloud cloud was more powerful than him so option a is the right answer

ऑप्शन बी आएगा ठीक है फोर्थ का हो गया नाउ वील मूव टू द सेक्शन बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नाउ वट यू हैव टू डू यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वील बी आंसरिंग द क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द कैट ड्रॉप द माउस कैट ने के uh, मुँह से माउस कैसे छूटा कैसे हुआ था कैसे छूटा था तो वट विल राइट द आंसर विल बी द कैट बीकेम फ्राइटन एज द फार्मर शाउट एट हर सो शी ड्रॉप द माउस एंड रैन अवे जैसे ही फार्मर ने शाउट किया तो उसकी आवाज़ सुन के कैट डर गई और उसके मुँह से वो चूहा नीचे ड्रॉप हो गया तो शी रैन अवे सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू वी नो दैट द फार्मर वॉज काइंड हार्टड हमें कैसे पता चलता है कि फार्मर काइंड हार्टिड था अच्छे दिल का था

एंड ग्रेटस्ट वन इन दिस यूनिवर्स जो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ग्रेटस्ट विशाल हो उससे वो शादी करना चाहती थी सो नाउ द नेक्स्ट विल बी वाई डिड द माउंटेन नाट वॉन्ट टू मैरी द गर्ल तो वो क्यों नहीं करना चाहता था शादी तो so, मैंने आपको बताया था कि माउंटेन यूज़ टू से टाइम टू ओल्ड टू गेट मैरी टू योर डॉटर माउंटेन यही बोलता था है ना सो so, तो उसका आंसर यही होगा कि वाई डिड यू द माउंटेन वॉट यू विल राइट द माउंटेन सेट दैट ही द माउंटेन सेट दैट ही वॉज टू ओल्ड टू मैरी हिज डॉटर ठीक है दिस विल बी द आंसर सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी वॉट हैपन टू द फार्मर्स अडोप्टिड डॉटर एट द एंड ऑफ द स्टोरी सो फार्मर की अडोप्टिड डॉटर के साथ एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ द फार्मर वेन द फार्मर केम टू नो दैट माउस वॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ही टिज अडोप्टिड डॉटर इन टू अगेन ही पुट द अडोप्टेड डॉटर इन्क्स इंटू द सेम बॉक्स एंड शी टर्न इंटू अउस अगेन एंड ही गॉट हर मैरिट टू द माउस सो so, यही उसके साथ हुआ था वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी अब हमें स्टोरी से क्या पता चलता है सो so, स्टोरी से ये पता चलता है कि नो वन इज़ ग्रेटेस्ट बाय द साइज साइज से साइज डजेंट मैटर एंड पीपल कैन बी ऑन द वर्च्यू ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड ऑल मतलब एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द अदर्स पावर्स एंड लिव विथ डिग्निटी uh, सो so, क्या है कि इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि uh, किसी के साइज़ या स्ट्रेंथ uh, से नहीं उसकी ताकत पता चलती एवरीबडी हैज़ देयर ओन वीकनेस अभी हम ये सोचते हैं कि सन बहुत माइटी है या सोचें क्लाउड बहुत माइटी है या यही सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है बट इस ऐसा नहीं है सबकी अपनी अपनी वीकनेस है उसको कोई और दबा देता है और ऐसे तो इस तरीके से वी शुड लिव विद डिग्निटी एंड हम्बलनेस ठीक है सो नेक्स्ट इज़ स्टेट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग सो हमें अभी नेक्स्ट वाले में हमें ट्रू फॉल्स बताना है वॉट इज वॉट सेंटेंस इज फॉल्स एंड ट्रू ठीक है द फार्मर वॉज वॉकिंग अलॉन्ग देंक ऑफ अ रिवर सो वो इट इज़ राइट और रॉन्ग सो इट इज़ रॉन्ग ही वॉज नॉट वॉकिंग ऑन बैंक ऑफ अ रिवर नेक्स्ट इज इनिशियली द फार्मर था दैट द क्लाउड भी द मोस्ट पावरफुल इन द यूनिवर्स क्या उसने पहले यह सोचा था कि क्लाउड है नहीं उसने सन सोचा था इनिशियली सबसे पहले तो फॉल्स है दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स नेक्स्ट द क्लाउड थॉट दैट द विंड वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड टॉस्ड हिम एज इट लाइक क्लाउड ने ऐसा सोचा कि हवा उससे ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज वो उसको कहीं भी गिरा देती है येस yes, ये ट्रू है उसने ऐसा ही सोचा था सो फोर्थ द माउंटेन रिगार्डेड द सन एज द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर माउंटेन ने सन को मोस्ट पावरफुल क्रिएचर बताया था नहीं फॉल्स है ये गलत है नेक्स्ट फिफ्थ द माउस मेड होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द माउंटेन माउस ने साइड माउंटेन्स के साइड में होल बनाए थे ट्रू और फॉल्स ट्रू सही था ये सेंटेंस द माउस वॉज अफ्रेड ऑफ द माउंटेन सिक्स सेंटेंस माउस माउंटेन्स अफ्रेड था ही वॉज फ्राइटन नहीं फॉल्स है सो इफ यू हैव रेड द चैप्टर केयरफुली देन यू ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और आप बता पाएंगे एंड नेक्स्ट इज द लैंग्वेज स्ट्रक्चर

तो साउंड और जो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा बट द स्पेलिंग विल बी डिफरेंट सो वीक और वीक डब्ल्यू ई ए के वीक मीनिंग्स सेम नहीं होगा और बट जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा सो वीक डब्ल्यू ई ए के वीक कमज़ोर होता है डब्ल्यू डब्ल ई के वीक मतलब हफ्ता होता है सो so इस तरीके से डियर डी डबल ई आर डियर हिरन होता है डी ई ए आर डियर जो आपको प्रिय होता है सो so इस तरीके से काफ़ी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं अब हमें हेल्प बॉक्स में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं हमें इसमें क्या आना चाहिए सही वो लिखना है माय डॉल्स आर वेरी डैश टू मी मेरे डॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा डैश हैं क्या है डी डबल ई आर डियर लिखा है वो हिरन लिखा है नहीं वहाँ उसकी जगह हमें सेम होमोफोन कौन सा लिखेंगे डी ई ए आर डियर वो मुझे बहुत प्यारे हैं मेरे डॉल्स सो डी ई ए आर आप लिखेंगे नेक्स्ट इट हैज़ बीन मोर देन अ डैश सिंस आई मेट माई आंट एक डैश से ज़्यादा हो गया जब मैं अपनी आंट से मिली हूँ सो so, ऊपर हमें दिया है वीक डब्ल्यू ई -E ए के कमज़ोर दिया है वीक लेकिन यहाँ पर हम उसी के साउंड वाला होमोफ़ोन कौन सा लिखेंगे डब्ल्यू डबल ई के वीक हफ़्ता मुझे एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया सिंस आई मेट माय आंट सो चिल्ड्रन यू हैव टू जस्ट सी व्हाट द सेंस इट विल मेक एंड देन यू हैव टू फाइंड द होमोफोन और इस तरीके से हमें करना है सो so, ऊपर जैसे भी लिखा है उसी के सिमिलर होमोफोन वाला एक वर्ड ढूंढना है ठीक है द डॉक्टर टोल माई मदर दैट शी शुड लूज़ अ लिटिल डैश डॉक्टर ने मेरी मदर को बोला है कि उनको थोड़ा सा डैश लूज़ करना है सो so, क्या लूज़ करना है ऊपर क्या दिया है ऐसा वेट दिया है डब्ल्यू ए आई टी वेट वेट मतलब इंतज़ार करना सो so, अभी हम यहाँ पर उसी के साउंड uh, वाला होमोफोन ढूंढेंगे डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट सो so, आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि दोनों का प्रनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग होता है सो so, वेट यहाँ पर हम ये लिखेंगे सो नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू कैन सी फोर्थ सेंटेंस We pray for World Dash during our school assembly. सो वी प्रे फॉर वर्ल्ड हम पूरे विश्व की डैश के लिए प्रे करते हैं अपने स्कूल असेंबली में किसके लिए प्रे करते हैं ऊपर सेंटेंस में क्या दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है पी आई ई सी ई पी सोता टुकड़ा और अब हम लिखेंगे पी ई ए सी ई पीस शांति हम विश्व विश्व की शांति के लिए प्रे करते हैं सो फोर्थ सेंटेंस वी विल राइट पी ई ए सी ई आई होप इट इज़ अंडरस्टूड एंड क्लियरली लिसन टू इट एंड आपको ऐसे ही लिखना है यू should not do spelling mistake so that otherwise the the uh, sense of the, uh, thing will be lost ठीक है आपको सही तरीके से लिखना है This summer we bought a dash water cooler कूलर दिस समर वी बॉट डैश वाटर कूलर हमने इस गर्मियों में हमने एक डैश वाटर कूलर खरीदा सो so, अभी यहाँ पर अभी वर्ड क्या बचा हुआ है के एन ई डब्ल्यू ऊपर आप देखिए उसमें के एन ई डब्ल्यू न्यू इस न्यू का मतलब होता है जानना लेकिन हम क्या लिखेंगे एन ई डब्ल्यू न्यू आप यह ध्यान दीजिए के एन ई डब्ल्यू न्यू जानना उसमें के साइलेंट है उसमें आवाज़ न्यू की ही लगती है सो so, हम नीचे क्या लिखेंगे एन ई डब्ल्यू न्यू हमने एक नया वाटर कूलर खरीदा So these will be the um, answers. I hope you will be writing the same uh, way which I told you. Okay. So ne next is complete the sentences using the words from the table above. So what we have to do? We have to you have to just see the table. Here, table a Like aha, you, ha, na, ouch. सो वॉट आर दे दीज़ आर इंटरजेक्शंस मैंने बहुत पहले भी आपको पढ़ाए थे इंटरजेक्शन्स क्या होते हैं जब यहाँ हम सडन इमोशन और फीलिंग जब डिस्क्राइब करते हैं तो एक्सप्ले इनके साथ जनरली एक्सप्लेमेटरी मार्क्स वो भी लगता है एंड uh, इस तरीके के जो वर्ड्स रहते हैं कभी कभी प्रे, पेन को एक्सप्रेस करना हो तो आउच अगर किसी को खुशी को एक्सप्रेस करना है ये सो so इस तरीके के वर्ड्स हैं इंटरजेक्शन सो यहाँ पर हमें ऊपर से जो इंटरजेक्शंस है ये देख के यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में वी हैव टू फिल इट सो दिस थिंग वील बी डूइंग सो सबसे पहला कौन सा यहाँ पर है डैश वी वन द मैच सो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम ऊपर देखते हैं वील जस्ट गो सो यहाँ पर क्या आएगा आउच आएगा हा आएगा आहा सो वी वॉट यूल हुर्रे व यूज़ दिस वन आप देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स हैं हम इस टेबल से ही यूज़ करना है सो so, यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है हुर्रे वी वन द मैच हो आएगा नेक्स्ट है अ स्टिंकी प्लेस दैट वॉस सो ये देखिए ये इस तरीके के सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक्सक्मेट्री मार्क्स जरूर आता है फॉलोड बाई एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन के साथ ही एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर है उसमें लिखा है अ स्टिंकी प्लेस दैट वॉस स्टिंकी होता है गंदा जो बदबूदार जगह होती है तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा ऊपर से सेकेंड वाला यू ई यू होता है जिसमें कुछ बुरा लगता है कुछ गंदा लगता है हमें फीलिंग आती है ई डब डब्लू डब्लू यू वॉट अ स्टिंग प्लेस दैट वॉज थर्ड डैश इट हर्ट्स आई हिट अ स्टोन सो डैश इट हर्ट्स मतलब आउच यहाँ क्या आएगा आउच जब चोट लगती है दर्द होता है तो आउच डैश वाई वुड आई गो विथ यू सो इसमें है डैश वाई विड वुड आई गो विथ यू मैं आपके साथ क्यों जाऊँ ना यहाँ पर ना आएगा क्या मैं मैं या फिर यहाँ पर ये भी आ सकता है कि हा why why would i go with you मैं आपके साथ क्यों जाऊँ डैश when did i tell you this मैंने आपको ये कब कहा सो so, when did i tell you this इसमें भी हा वी वी कैन राइट हा इन दिस एंड इससे पहले वाले में वी कैन राइट ना सो वी विल राइट ह when did i tell you this मैंने आपसे ऐसा कब कहा

क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स यू विल डू इन द नोट बुक ओनली सो टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आसमी इन द नेक्स्ट क्लास एंड कम्प्लीटली कम्प्लीट योर चैप्टर्स एंड राइट आउट नीटली इन योर नोट notebook द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो वीडियो क्यों बनाई जाती है और इतना बताया जाता है सो दैट स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और आप इसी तरीके से करें जिस तरीके से बताया गया है So, I hope I'll uh, check all these uh, question answers uh, and uh, you do it uh, neatly. So, bye bye. Till then, bye bye and have a nice day.